हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने जो कि गूगल पे होता है उसका बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अपने टाइटल में तो देख ही ले होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना होगा गाइस, और साथ में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने अभी क्लिक कर दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नो बैंक मेथड, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करेंगे गाइस, तो तभी आपको जैसे ही आप जो बैंक अकाउंट है उसका लिस्ट निकल के आ जाएगा, और यहाँ से आप ऐड कर पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपका अकाउंट होगा। तो उस अकाउंट को सेलेक्ट करिए जिसमें भी आपका खाता खुला हुआ है। तो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे बता रहा है कि आपका ये नंबर रजिस्टर है। आप चाहे तो आप दूसरे डिफरेंट टाइप का जो नंबर है उसे भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो मैंने तो यही नंबर डाल रखा है, तो मुझे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपका डिफरेंट टाइप का कोई नंबर है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं गाइस, और हो सकता है आपके केस में यहाँ पर डालने के लिए बोले क्योंकि आपका रजिस्टर नहीं होगा उस मोबाइल नंबर से जो आपके फ़ोन में है, तो आपको यहाँ पे न्यू पिन डालना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो मैसेज है वो हमें रिसीव होगा गूगल पे अथॉरिटी के तरफ से, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा वैसे ही आपका यहाँ पे पिन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे पिन वेरीफिकेशन कर सकते हैं। तो वेरीफाई हो रहा है क्विकली, अभी तुरंत ही हो जाएगा, उसके बाद हम पिन डालेंगे। पिन का प्रोसेस अब यहाँ पे क्लिक करें इंटर योर पिन, तो हमारा बैंक ऐड हो चुका है, बस आपको एक पिन बनाना है। तो पिन बनाने के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे बैंक आपको दिख रहा है, तो आपको नीचे जो इंटर योर पिन है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो और आपका अगर अलग बैंक है तो अलग बैंक में भी अलग नाम होगा। तो यहाँ पे जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा दिखा रहा है, तो मैं चलिए पिन बना लेता हूँ फटाफट। तो मैं यहाँ पे इंटर योर पिन बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे पिन डाल देता हूँ। और ध्यान रखिएगा आपका पिन एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और चलिए मैं डाल देता हूँ फटाफट से पिन। और गाइस, जब तक मैं पिन डालता हूँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा, इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन दबा दीजिएगा। अगर दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है भीम UPI से रिलेटेड, मैं इसके ऊपर प्लेलिस्ट बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पिन डाल लिया है, इसी तरीके से आप भी पिन बना सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पिन बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा लोडिंग स्टार्ट हो चुका है एडिंग अकाउंट, और यहाँ पे कुछ सेकंड्स लगता है और फाइनली हमारा अकाउंट है जो कि ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे पैसे वगैरह ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और इसी तरीके से अगर इन सब के बारे में जानना है कि पैसे कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, कैसे D2H का रिचार्ज करना है, कैसे बिल गैस या फिर बिजली बिल पे करना है, तो इन सब से रिकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरह के इन्फॉर्मेट वीडियो बनाता रहता हूं। और आपका कोई भी प्रॉब्लम है बैंक से रिलेटेड या फिर विंडो से रिलेटेड, तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।